दुर्वा हाँ? फोन रख और मदद कर जा। मैं क्यों मदद करूं? जा ना जल्दी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या बात है अक्का साहब, आज बहुत खुश लग रहे हो आप। हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे समझ में आ गया है कि जब कभी कभी कुछ भी ठीक ना हो ना तो जिंदगी का रीसेट बटन दबा देना चाहिए, सब कुछ ना शुरू से शुरू करना चाहिए। रीसेट बटन? मैं कुछ समझी नहीं, मतलब? हाँ रीसेट बटन रेडी है, बस बन जाएगा, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा तुझे। हाँ सब समझ में आ जाएगा। आपको पता है चिन्मय दादा क्या कहते थे? वो कहते थे उन्हें बड़े होकर शादी करनी और ढेर सारे बच्चे पैदा करने। इमेजिन, ढेर सारे बच्चे? ऐसा क्यों? वो कहते थे ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनसे टीम बनाएंगे और उस टीम से ऑर्केस्ट्रा खोलेंगे, बैंड बनाऊंगा और पता नहीं क्या डांस ट्रूप, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। ईशान ये कुछ लिस्ट है कॉलेजेस की जो हमारे कॉलेज के साथ में रामनवमी के इवेंट पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दीवा मीका बोल तो इस बार रामनवमी में हम कुछ अलग करें क्या? म्हणजे फक्त दोन दिवस आहे, इतनी सारी तैयारियां कौन करेगा? हाँ क्योंकि ईशान सर को कल्चरल सेक्रेटरी का किसी और काम में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, इसलिए इस बार कल्चरल सेक्रेटरी की दोस्त अनवी ने पूरी जिम्मेदारी ली है। जी हाँ देवियों और सज्जनों, इस रामनवमी पर भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से हमारी उभरती हुई लेखिका सुश्री अनवी भोसले लेकर आई हैं प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ा नाटक सीता का स्वयंवर। अरे वाह, अरे वाह अनवी, कांग्रेचुलेशंस। मैं कैसे? कैसे क्या, इतना अच्छा प्ले लिखा तुमने, दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा ना। वैसे अनवी तूने लिखा ठीक है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में कुछ पता भी है तुझे? बताना जरा क्या मतलब होता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का? मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा मानने वाला वो शख्स जिसके लिए उनका दिया हुआ वचन उनके प्राणों से भी ज्यादा बड़ा हो, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हरिणी जी चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। पुर बल बद रघुनायक ध्याऊ, बनते रावण रघुपति बचाओ। जो दुनिया के किसी भी स्त्री की लाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, जो रावण जैसे बलवान को भी ना छोड़े, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।